श्री शिवा नमस्तुभ्यम। दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल शिव भक्ति मार्ग में। ज्येष्ठ मास की त्रयोदशी तिथि 27 मई शुक्रवार के दिन पड़ रही है और जो लोग शुक्र प्रदोष का व्रत रखते हैं उनके दाम्पत्य जीवन की समस्याओं का समाधान हो जाता है। इस व्रत को करने से सुख सौभाग्य लक्ष्मी संपत्ति आरोग्यता की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की वृद्धि होती है। प्रदोष व्रत करने से पुत्र की भी प्राप्ति होती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे व्रत की तिथि के बारे में कि किस तिथि में व्रत रखा जाएगा, पूजन का शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजन की विधि क्या होगी और किस मंत्र का हमें जप करना चाहिए और कौन से ऐसे विशेष नियम शुक्र प्रदोष के दिन करने चाहिए जिससे जीवन में कभी भी धन वैभव की कमी ना हो। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हिंदू सनातन धर्म में महादेव के पूजन और व्रत का बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। महादेव के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार के व्रत आदि रखते हैं जिससे महादेव की कृपा प्राप्त होती है। और कहा जाता है कि महादेव एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिन्हें यदि एक लोटा जल भी समर्पित कर दिया जाए तो महादेव आपको मनचाहा वरदान प्रदान करते हैं। और कहा जाता है कि प्रदोष की जो तिथि होती है वह महादेव को अत्यधिक प्रिय होती है और प्रदोष तिथि माह में दो बार आती है और भक्त प्रत्येक माह प्रदोष का व्रत करते हैं महादेव की विशेष कृपा पाने के लिए। इस बार प्रदोष व्रत 27 मई शुक्रवार के दिन पड़ रहा है और प्रदोष का दिन जिस दिन पड़ता है, मान लीजिए सोमवार का दिन यदि प्रदोष आ जाए तो उसे हम सोम प्रदोष के नाम से जानते हैं, गुरुवार के दिन आ जाए तो गुरु प्रदोष के नाम से जानते हैं, उसी तरह शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को शुक्र प्रदोष के नाम से जाना जाता है। इस दिन पूरी निष्ठा सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा आराधना करने से भक्तों को सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इस व्रत से दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आती है और व्यक्ति को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मान्यताओं के अनुसार जिस दिन जो जो प्रदोष पड़ता है उस दिन भगवान शिव के साथ साथ उस ग्रह का पूजन करने से ग्रह दोष भी समाप्त होते हैं। शुक्र प्रदोष का व्रत रखने से इस दिन विशेष पूजन अर्चन करने से यदि किसी व्यक्ति के विवाह में समस्याएं आ रही हों तो वह समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं शुक्र प्रदोष व्रत किस तिथि में रखा जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं हर माह दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। ज्येष्ठ माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि शुक्रवार के दिन पड़ रही है। प्रदोष की तिथि आरंभ होगी 27 मई शुक्रवार के दिन दोपहर 11:07 पर, जो कि समाप्त होगी 28 मई शनिवार के दिन दोपहर में 11:09 पर। और आप सभी को पता है प्रदोष का पूजन प्रदोष काल में ही किया जाता है, तो प्रदोष काल का पूजन समय हमें मिल रहा है 27 मई शुक्रवार के दिन। तो हम व्रत भी कब रखेंगे? 27 मई शुक्रवार के दिन ही रखेंगे क्योंकि 28 तारीख को दोपहर में ही यह तिथि समाप्त हो जाएगी। और पूजन का जो शुभ मुहूर्त है वह हमें 27 मई शुक्रवार के दिन ही मिल रहा है। शुभ मुहूर्त पूजन का रहेगा प्रदोष काल का जो है, क्योंकि आप सभी को पता है प्रदोष काल का अर्थ होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट का बाद का जो समय होता है वही शिव पूजन का समय होता है। तो यह समय शुरू होगा शाम को 6:15 से समाप्त हो जाएगा 7:45 पर। तो ये पहला शुभ मुहूर्त है जिस शुभ मुहूर्त में आपने प्रदोष का पूजन करना है। यदि इस शुभ मुहूर्त में पूजन नहीं कर पाए तो दूसरा मुहूर्त बता रही हूँ, शाम को 7:12 से रात में 9:14। तो ये दूसरा शुभ मुहूर्त है जो 27 मई का होने वाला है। और 27 मई शुक्रवार के दिन सौभाग्य योग, शोभन योग, स्वार्थ सिद्ध योग का निर्माण भी हो रहा है। और शास्त्रों के अनुसार सौभाग्य योग में पूजा पाठ सुख और सौभाग्य में वृद्धि कारक होता है। वही सर्वार्थ सिद्ध योग और सौभाग्य योग में मांगलिक कार्यों का करना भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। इन सभी शुभ योगों के साथ इस बार शुक्र प्रदोष आपके लिए सुख समृद्धि लेकर आने वाला है। अब पूजन की विधि वगैरह क्या होनी चाहिए वो आप ऑलरेडी चैनल पर डली हुई है, ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि
क्योंकि यदि मैं हर बार वीडियो में आपको पूजा की विधि बताऊंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो डला हुआ है, आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगी। अब जब आप पूजन वगैरह कर लें तो आज के दिन आपको खीर का भोग अवश्य रूप से बनाना चाहिए। साबुत अक्षत की खीर का भोग माँ देव को ज़रूर लगाएं, उस इस खीर से ही आपको हवन करना चाहिए। हवन करते हुए ओम श्रीम क्लीम नमः शिवाय स्वाहा का आपको जाप करना चाहिए। हो सके तो 108 बार महादेव के किसी भी मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। और आज के दिन आपको गणेश जी, शिव परिवार, नंदी जी का पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। हो सके तो श्वेत वस्त्र धारण करके पूजन करें। इस तरह से आपको अपने जब भी आपके 11 26 प्रदोष पूर्ण हो जाते हैं, यदि आप चाहें तो आपको ध्यापन ज़रूर करना चाहिए। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, प्रदोष के दिन कभी भी बेलपत्र नहीं तोड़े जाते, बेलपत्र हमेशा एक दिन पहले ही आपको तोड़कर रख लेने चाहिए। आज के दिन आपको हरे मूंग का सेवन अवश्य रूप से करना चाहिए और पूजन में हरे मूंग भी अवश्य रूप से अर्पित करने चाहिए। अब कुछ विशेष नियम भी जान लीजिएगा, यदि प्रदोष के दिन यदि किए जाएँ, शुक्र प्रदोष के दिन किए जाएँ, तो उससे आपका शुक्र ग्रह भी मजबूत होता है और जीवन में कभी भी पैसों की तंगी नहीं आएगी। शुक्र प्रदोष के दिन जब भी आप नहाकर महादेव का पूजन करने बैठते हैं, तब आपको गुलाबी या फिर श्वेत रंग के वस्त्र धारण करके पूजा करना चाहिए। ऐसा करने से शुक्र ग्रह मजबूत होता है, जीवन में कभी भी आर्थिक तंगी का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए शिवलिंग पर सफ़ेद रंग की वस्तुएँ आपको ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। और जो भी लोग पूजन नहीं करते हैं, जिनके पास समय नहीं है व्रत रखने का, पूजन करने का, आज के दिन उन लोगों को अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक देसी घी का ज़रूर प्रज्वलित करना चाहिए, जिसमें आप दो लंबी बाती लगाएं। चाहे तो आप जोड़े से दो लंबी बाती लगा दें, चाहे तो आप गोल बाती लगा दें। वो लगाने के बाद सायंकाल में 6 से 7:30 के बीच आप अपने घर में दारिद्र दुख दहन स्त्रोत का पाठ ज़रूर लगाएं। खुद पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ सकते हैं तो मोबाइल या यूट्यूब की सहायता से घर में चला दीजिए और उसे अवश्य रूप से सुनिए, उसका भी बहुत विशेष लाभ आपको प्राप्त होता है। और यदि व्रत नहीं कर सकते हैं, नहीं संभव है आपके लिए, तो प्रदोष काल में मंदिर अवश्य जाएं, महादेव के मत्था अवश्य रूप से टेकें, वहाँ जाके पूजन अर्चन जरूर करें, धूप दीपक लगा के आएँ। और यदि व्रत करते हैं, समय से पूजन नहीं कर पा रहे हैं, तो आसपास जो भी आपके मंदिर हैं वहाँ ज़रूर आपको जाना चाहिए। तो यही थे आज के कुछ विशेष नियम, जिनका पालन आपको विशेष रूप से करना चाहिए और महादेव आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आशा करती हूँ जानकारी समझ में आई होगी, जानकारी पसंद आई होगी। और यदि वीडियो पसंद आया हो, लाभप्रद लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। शिव भक्ति मार्ग को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो भी आपके कमेंट हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय माता रानी दोस्तों।